पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। इस बार तो अकेले नहीं जा रहा है? इस बार भैया को साथ लेके जा रहा हूँ। इस बार मतलब इससे पहले भी तू अकेले टेरिस में जा चुका है? हाँ लेकिन थैंक यू थैंक यू। अकेले मत जा, रुक रुक। अरे बोल। अरे नहीं भैया, इसके बारे में टेरिस पे अकेले नहीं जा, वैसे भी आपके पता कि मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा झूठे। अरे भैया कितने धीरे धीरे कॉफी पीते हैं, जरा जल्दी पिए ना। मैं कॉफी है, कोई मिल्क शेक नहीं है। चल चल ठीक है। अरे लेकिन तेरे हाथ में एक ही पतंग क्यों है? अरे भैया लास्ट ही पतंग बची है, बाकी सब पतंग खत्म हो गई। और ये बात तू मुझे अब बता रहे? उत्तरायण में अब कुछ ही दिन बाकी है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पतंग खरीद के आते हैं फिर उड़ाने चलते हैं। ठीक है दादी, हम पतंग लेके आते हैं। बहुत सारी पतंग इकट्ठा कर लिए और एक दो लेकर फिर घर चलेंगे। चलो इस बार तो खरीदी अच्छे से हो गई अपनी। अरे हाँ इस बार अच्छी पतंग मिली और वो लाइट वाली तो बेस्ट है। हाँ यार। पतंग भैया, वो भैया ठीक है ना? मैं ठीक। अबे तुम दोनों वहीं पे खड़े रहो। ठीक है। एक मिनट उतर दो। अबे इस तरफ। अबे पतंग लूट रहा था ना, पतंग लूट रहा था ना। सॉरी भैया गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती के चक्कर में अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता। तुम्हारे मम्मी पापा को पता है कि तुम लोग पतंग लूटने बाहर आए हो? नहीं। पापा का नाम बोल। सॉरी भैया। पापा का नाम बोल। अरे तू चुप रहे यार। पापा का नाम बोल। सतीक भाई। तुम दोनों रहते कहाँ? यहीं सब्जी मंडी के पीछे, ब्लॉक नंबर 155। ठीक है पुलिस को फोन लगा। सॉरी भैया आगे भेजा नहीं। अच्छा रुक। प्लीज भैया। कैसा भाई है तू? 5 रुपए की पतंग के लिए तो अपने भाई की जान खतरे में डाला था, शर्म है या नहीं? अब मेरे भाई को कुछ मत बोलो, इन्होंने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया है। कैसे? मेरी माँ की हालत बहुत खराब रहती है, इसलिए पापा के सारे पैसे उनकी दवाई में चले जाते हैं, इसलिए घर की हालत बहुत खराब रहती है। और मेरे भाई को उत्तरायण का बहुत शौक है, इसलिए मैंने अपने पैसे से जितनी पतंग खरीद सकता था उतनी खरीद ली और उत्तरायण के 3 घंटे में ही वो सारी पतंग खत्म हो गई। भैया पतंग, ये तो आखिरी पतंग थी। पूरी उत्तरायण ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे। अरे यार काश हमारे पास इतनी सारी पतंग होती जो कभी खत्म ही ना होती। अरे भैया रुक तो सही। इस बार मैं अपने भाई को ऐसे दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं उसके लिए उतनी सारी पतंग लाऊंगा कि वो उड़ाते उड़ाते थक जाएगा पर कभी खत्म ही ना हो। इसलिए मैंने उत्तरायण के 10-15 दिन पहले से ही पतंग इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वो मुझे अपने साथ कभी पतंग उठने नहीं लिए जाते, पर मैंने ही आज जीत की और ये सब हो गया। आपका नाम क्या है? भव्या। अच्छा तुम्हारे भैया को हटा इसलिए तुम नाराज हो ना? सॉरी बाबा। चलो अब तो हम दोस्त हैं, तो एक दोस्त के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं और मैं आज तुम लोगों को बहुत सारी पतंग दूंगा। सच्ची? मुच्ची देवांश पतंग ला। अरे पर भैया। अरे अरे भैया। अरे ये दो दोस्तों के बीच की बात है, तू बीच में बोल।
अभी आप लोगों के पास इतनी पतंग है कि तुम्हारा भाई उड़ाते उड़ाते थक जाएगा, लेकिन ये पतंग खत्म नहीं होगी। अब फुल इंजॉय करो। और हाँ, अगर दोनों में से कोई मुझे पतंग लूटते दिखा तो जानते हो ना। ठीक है भैया, चलो अब हम चलते हैं। ओके बाय। अरे भैया, सारी पतंग देने की क्या जरूरत थी? अरे वो तेरे पास है ना यार अभी एक, और वो तेरी वैसे भी कोई काट तो पाता है नहीं। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। अरे अब कहाँ गया कॉन्फिडेंस? चल बैठ बैठ गया भैया। लेकिन आपको सारी पतंग नहीं दे देनी चाहिए थी। देवांश, उत्तरायण क्या है? उत्तरायण एक खुशियों का त्योहार है, और खुशियां तो बांटने से ही बढ़ती है ना। जब आज हमने अपनी पतंग उनको दे दी तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी, वो खुशी देखकर ही मेरी उत्तरायण तो बन गई। हाय श्रेय। हाय।